जिस देश ने खालिस्तान के मुद्दे पर अमेरिका से बिगाड़ ली, कनाडा से बिगाड़ ली, कई देशों ने सक्की निगाहों से देखा, उस देश में जब दुनिया को यह पता चलेगा कि एक खालिस्तानी चुनाव जीत गया तो इमेज क्या रह जाएगी, उस देश में जब पता चलेगा कि एक पूर्व आईपीएस जो तमिलनाडु में सनातन संस्कृति के लिए लड़ रहा है वो चुनाव हार गया तो देश की क्या इमेज रह जाएगी। दुनिया वालों को हम बता रहे थे कि हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं, हमारे प्रभु श्री राम हैं, जब पता चलेगा कि राम मंदिर तो तुमने बना लिया लेकिन अयोध्या में ही हार गए तो क्या इमेज रह जाएगी। और इसके साथ ही बनारस, जहां पर मोदी ने न जाने कितने चक्कर काटे, न दिन देखा न रात देखी, कभी भी बनारस पहुंच गए, एक एक डेवलपमेंट का काम किया, उस बनारस में मोदी को जितवाया भी तो कितना, सिर्फ 1.5 लाख वोटों से। लेकिन वहीं राहुल गांधी को, जो कभी शायद रायबरेली में गए भी ना हो पिछले कई सालों में, जो शायद कभी वायनाड में चुनाव जीतने के बाद गए ही ना हो, वहां पर 4-4 लाख 3.5 लाख वोटों से जिताया जा रहा है। ये है मेरे देश का लोकतंत्र। कोई जरा अमेठी वालों से पूछना कि 10 साल में राहुल गांधी कितनी बार आए आपके यहाँ, रायबरेली वालों से पूछना कितनी बार आए आपके यहाँ, सोनिया गांधी कितनी बार आई थी, वायनाड में पूछना कितनी बार आए थे, तो आपको जवाब नहीं मिलेगा। और ये तो कुछ भी नहीं है, जब वायनाड में राहुल गांधी की रैली हो रही थी तो आपको इस तरह के झंडे दिखाई देंगे, इस तरह का पूरा मोमेंटम दिखाई देगा जहां पर कांग्रेस का एक भी झंडा नहीं था। कोई सवाल पूछना कि राहुल गांधी की रैली में कांग्रेस का झंडा क्यों नहीं था, उसका कारण है, कारण ये है कि कांग्रेस का झंडा कुछ कुछ ऐसा दिखता है और शायद ऐसा झंडा दिखाने से वहां पर वोट बैंक को नुकसान हो जाता है।